सभी को जय हिंद, जय भारत, देशभक्ति, जनसेवा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी की जो तैयारी करते हैं बच्चे, तो अधिकतर पूछते हैं कि सर सुबह दौड़ें या शाम को दौड़ें। तो दोस्त, आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, आपको जिस समय उठा के दौड़ा दिया जाए, नींद में भी उठा के दौड़ा दिया जाए, तो आपका 1600 मीटर का टाइमिंग हो ही जाना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप सुबह भी जा सकते हैं, शाम को भी जा सकते हैं। दौड़ को आपको इतना मजबूत बनाना है कि आप 500 लोगों के बीच में जाके तीसरा, चौथा या फर्स्ट नंबर लगा सकें। अब आपको उस लेवल की मेहनत करना है तो आपको ये प्रश्न नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से कि सर सुबह दौड़े कि शाम को दौड़े, इंडियन आर्मी की दौड़ के लिए, क्योंकि आपको इंडियन आर्मी की दौड़ में इतनी मेहनत करना है कि आपको जो आप 30-40 के ग्रुप में दौड़ते हैं, 50 के ग्रुप में दौड़ते हैं, दोस्तों आप वहाँ पर आपको रात को 8 बजे बिठा दिया जाएगा, और हो सकता है सुबह आपके पास समय मिले दौड़ने का। तो ऐसी परिस्थिति में आपको यह नहीं प्रश्न करना चाहिए कि सर मुझे सुबह दौड़ना चाहिए या शाम को। मेरे भाई, आपको शाम को भी दौड़ लेना चाहिए, सुबह भी दौड़ लेना चाहिए, और हो सका तो आप खाना खाने के बाद भी अगर आपको मौका मिल जाए कि मेरे को 1600 मीटर का टाइमिंग निकालना है, तो वो भी आपको निकालना होना चाहिए, क्योंकि आप फौज की तैयारी कर रहे हैं। फौज की तैयारी में यदि सामने वाला अपना विरोधी आया है, अपन ने खाना खा रखा है, और उसको यूं कह सकते हैं क्या कि भाई साहब अभी रुक जाओ, मैंने खाना खा रखा है, मैं दौड़ नहीं सकता हूं, मैं भाग नहीं सकता हूं, तो आप मेरे ऊपर आक्रमण मत कीजिए। तो इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले आदमी को एकदम सर्वगुण संपन्न होना चाहिए मेरे दोस्त। और जो ऑलराउंडर, जो आउटडोर एक्सरसाइज होती है, जो जितनी भी वर्कआउट्स होते हैं उसमें उसको परिपूर्ण होना चाहिए। वर्कआउट किसी भी प्रकार का होना चाहिए, जैसे स्टेमिना वाला वर्कआउट, हर वर्कआउट में वो स्टेमिना वाला होना चाहिए, ताकि उसको किसी भी प्रकार का वर्कआउट करा दे, उसको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। तो मेरे हिसाब से आपके प्रश्नों का जवाब बिल्कुल मिल चुका होगा कि आप इंडियन आर्मी की तैयारी कैसे करें। बिल्कुल सब कुछ छोड़ दीजिए, बिल्कुल उस ग्राउंड के दीवाने हो जाइए, उस 400 मीटर के दीवाने हो जाइए। 4 राउंड कैसे निकालना है, क्या करना है, बिल्कुल आप उस पर ही कॉन्टेक्ट कीजिए, और उसके लिए आपको पूरा दिन और रात पूरा दिमाग में उस 400 मीटर के ट्रैक को लेके चलना है, और वो चल सकते हैं, उसके बाद ही आप हो सकता है सफल हो जाए, क्योंकि आपको भीड़ में दौड़ना है। आपके जैसे बादशाह 500 मिलेंगे, उन 500 बादशाहों में से आपको टॉप 3, टॉप 2 या फर्स्ट, हो सकता है टॉप 10 में आने की तो कोशिश आपको करना ही है। हो सकता है टॉप 10 में आने के बाद आपको नहीं लिया जाए, लेकिन मेरे कहने का मतलब, यदि आपकी अच्छी तगड़ी मेहनत है, आपने सब कुछ समर्पित कर दिया इस दौड़ के लिए, तो मैं सीना ठोक के आपसे वादा करता हूँ कि आप अनसक्सेसफुल हो ही नहीं सकते हैं, आप ज़रूर सक्सेस होंगे। तो ऐसे बहुत सारे लड़के मेरे पास सक्सेस होके गए हैं, तो आप भी ये बिस्तर में जो सपने देख रहे हैं, अभी ठंड में लड़के मेहनत कर रहे हैं और आप बिस्तर में सपने देख रहे हैं कि मैं इंडियन आर्मी में चला जाऊँगा, मैं देश की सेवा करूँगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा, ये सब छोड़ के ग्राउंड में आइए और तैयारी कीजिए, और तैयारी करते हैं तो आप 100% सक्सेसफुल होंगे। सभी को जय हिंद, जय भारत, देशभक्ति, जनसेवा। दोस्तों।